नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी जो है सामने आ रही है, और जो लोग पहले मुंबई से या दिल्ली से दुबई जाने का सफ़र जो है तय करते थे और 15 से 16 घंटे का ये सफ़र जो है दुबई पहुंचने का रहता था, अब ये खुशखबरी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए निकलकर सामने आ रही है कि कश्मीर से अब जो है दुबई के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट जो है जल्द ही शुरू होगी और 23 अक्टूबर जो है वहाँ दिन डिसाइड किया गया है। पहली फ़्लाइट जो है दुबई के लिए 23 अक्टूबर को जाएगी, और इस तरीके से जो कश्मीर के लोग हैं उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है और जम्मू के साथ साथ, क्योंकि जहां पर 15 से 16 घंटे लगाए जाते थे सफर तय किया जाता था, अब सिर्फ 4 घंटे में जो है ये फ्लाइट दुबई पहुंचेगी और श्रीनगर से जो है शारजा पहुंचेगी। और आपको बता दें कि इसका टाइम क्या रहेगा, और पहली फ्लाइट जो है 23 अक्टूबर की डिसाइड की गई है कि शारजा के लिए यानी दुबई के लिए पहली फ्लाइट कश्मीर से इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वहां पर ली जाएगी और शारजा पहुंचेगी 4 घंटे में। तो पहली जो है सैटरडे को ये फ्लाइट होने वाली है जो 8:25 पे जो है यहाँ से टेक ऑफ करेगी, जो शारजा की ओर जाएगी, और 4 घंटे में ये सफ़र जो है तय किया जाएगा। और अगली फ्लाइट जो है ठीक अगले दिन संडे की अगर बात करते हैं तो 12:25 पे ये फ्लाइट जो है निकलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो है असरदार बहुत ज़्यादा टूरिस्ट पे भी रहने वाला है, चाहे जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट की बात की जाए, चाहे बाहर के जो अब दुबई के लोग डायरेक्ट यहाँ पर भी आ सकते हैं, और यहाँ के लोग जहाँ पहले दिल्ली या मुंबई से फ्लाइट पकड़ते थे दुबई जाने के लिए, अब डायरेक्ट, और जो ट्रैवलर्स हैं खासकर जो ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक फायदेमंद बात निकल कर है सामने आ रही है। और साथ ही साथ बिजनेस पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ने वाला है और टूरिस्ट पे भी इस पे पूरे तरीके से जो है असर पड़ेगा। और आपको बता दें कि जो ट्रैवलिंग फेयर इसमें डिसाइड किया गया है यानी टिकट्स के अगर पैसे बताएं आपको तो 24,000 जो है यहां से दुबई जाने की टिकट डिसाइड की गई है, और साथ ही साथ दुबई से यहाँ पर जो है 15,000 डिसाइड की गई है। और एक सबसे बड़ी बात ये निकल कर सामने आती है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, एयरलाइंस एसोसिएशन की अगर बात करते हैं तो उनकी तरफ से ये बात निकल कर सामने आती कि एक काफ़ी ज़्यादा सस्ते दामों में जो टिकट है दुबई के लिए सामने आती है, और हर कोई जो है दुबई जाना चाहता है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक आसान ज़रिया जो है अब कश्मीर से डायरेक्ट दुबई जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जाएंगी। और ये भी आशा जताई जा रही है कि आगे ऐसी और भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वहां से शुरू की जाएंगी ताकि पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग जो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स की और बाहर जाने की सहूलियत जो है पूरे तरीके से उसका लुत्फ जो है उठा सके। और फिलहाल कश्मीर में 23 अक्टूबर को जो है पहली फ्लाइट दुबई के लिए निकलेगी और फेयर जो है वो भी हमने आपको बताया, और श्रीनगर से शारजा जो है ये फ्लाइट जाएगी दुबई के लिए। तो जो लोग भी दुबई जाना चाहते हैं या दुबई जाने का सपना रखते थे, और जो लोग दुबई जाते थे, या फिर अगर बात करते हैं ट्रैवलिंग टाइम की सबसे बड़ी बात आती है, तो 15 से 16 घंटे जो है कहीं ना कहीं इस ट्रैवलिंग में लगते थे और अब डायरेक्ट 4 घंटे में कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर के लोग बाहर से फ्लाइट्स पकड़ते थे, डायरेक्ट कश्मीर से अब इंटरनेशनल फ़्लाइट होगी। और साथ ही साथ बाकी एयरलाइंस एसोसिएशन की बात की जाती है तो ये भी डिसाइड किया जा रहा है कि जल्द से जल्द और भी ऐसे एरियाज़ में, और भी ऐसी कंट्रीज़ में अगर बात की जाए तो जितनी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं स्टार्ट की जाए ताकि सहूलियत जो है काफ़ी पूरे तरीके से मिले। और फिलहाल यही बड़ी खबर निकल कर जो लोग दुबई जाना चाहते हैं, जो टूरिज़्म या ट्रैवलिंग जो पसंद करते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अब दुबई जाना आसान हुआ है। 4 घंटे में कश्मीर से जो है फ़्लाइट जाएगी और 4 घंटे में आप दुबई पहुंचेंगे और श्रीनगर से शारजा के लिए फ़्लाइट जो है ली जाएगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।